इस क्वेश्चन से हम क्या समझते हैं पहले तो हम डायग्राम से क्लियर करवाएंगे ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ये देखो डायग्राम में क्या बता रहा है ये ये है आपके पास सेंटर ऑफ द सर्कल वो जो है सेंटर है यहाँ से ए और बी टू पॉइंट्स है ऑन द सर्कल यहाँ से ये आपने टेंशन ड्रॉ कर लिए पी ए एंड बी बी क्लियर अब देखो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे कि ओ सेंटर है सर्कल का बी जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है फ्रॉम विच टू टेंशन पी ए एंड पी बी टू सर्कल जो ए और बी पॉइंट पे टच होते हैं वो हमने ले लिए ठीक है देन प्रूव दैट आपको प्रूफ क्या करना है ये वाला जो एंगल ए बी बी है दिस एंगल प्लस दिस एंगल ए ओ, बी ये दोनों एंगल जब आप ऐड करेंगे उनका सम आएगा वन नेट एटी इसका मतलब ये एंगल सप्लीमेंट्री हुए ठीक है अगर इनका सम जो है वन एटी के बराबर है, अब आपने क्या किया Since ओ ए अभी पता है आपको रेडियस है ओ ए बी ओ बी बी और रेडियस टू द टेंजेंट क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं मतलब कि जो एंगल ओ ए पी है वो यहाँ से आ जाएगा नाइन्टी डिग्री सिमिलरली ओ बी पी ये भी क्या आ जाएगा नाइन्टी डिग्री क्लियर तो यही बात हमने यहाँ पे लिख ली कि ओ ए जो है वो रेडियस है जो कि परपेंडिकुलर है टेंजेंट पी ए पे इसलिए एंगल ओ ए पी नाइन्टी डिग्री के बराबर आ गया सिमिलरली जो ओ बी पी है वो भी क्या आ गया नाइन्टी डिग्री अब देखो ये बन गया ओ ए पी बी क्या बना एक क्वेड्रिलेट्रल बना फोर साइड्स आ गई इसमें तो ऑल द एंगल्स ऑफ दिस क्वेड्रिलेट्रल जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 360 के बराबर आ जाएगा वो चीज़ मैंने यहाँ से स्टेप बना दिया कि एंगल दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी दैन यहाँ से देख लो नाइन्टी डिग्री नाइन्टी डिग्री जो हमने अभी ये वाला एंगल ए और बी जो निकाला था यहाँ से वो हमने नाइन्टी डिग्री और नाइन्टी डिग्री इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी और आपके पास ए पी बी प्लस बी ओ ए बचा ठीक है वो थ्री सिक्सटी माइनस नाइन्टी प्लस नाइन्टी इज़ वन एटी इक्वल टू के दूसरी साइड जाके वो माइनस हो गया और इनका जो सम है एंगल्स का वो आ गया आपके पास वन एटी डिग्री मतलब कि जो सम ऑफ टू एंगल हैं वो है सप्लीमेंट्री यही आपको प्रूव करना था क्लियर हो गया अब अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इलेवेंथ नेक्स्ट है इलेवेंथ क्वेश्चन प्रूव दैट द पेलोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस देखो ये बोल रहा है कि एक सर्कल और उसके बाहर बाहर से आपने क्या एक पैरोलोग्राम बना दिया और वो क्या है रोम्बस है रोम्बस क्या होता है जिसकी चारों साइड्स जो है इक्वल हो गए उसको हम रोम्बस कहेंगे ये हमने प्रूफ करना है सबसे पहले ले लिया जी आपने एक सर्कल सर्कल में आपने बाहर बाहर से ये टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिए ठीक है ये वाले जो ये लाइन आ गई ए बी और सी डी बी सी ए डी ये क्या आ गए साइड्स सा आ गए किसकी पैरेललोग्राम की अब देखो पैरेललोग्राम क्या होता है अब हमने ले लिया ना ए बी सी डी क्या है एक पैरेललोग्राम है पैरेललोग्राम में जो पैरेलल साइड्स हैं वो होती हैं इक्वल तो यहाँ से आपके पास ए बी इक्वल टू सी डी आ गया और बी सी इज इक्वल टू ए डी आ गया ये वाला इसके बराबर और ये इसके बराबर आ गया है ना फ्रॉम पॉइंट ए अब देखो ए पॉइंट से ये एक्सटर्नल पॉइंट आ गया सर्कल का अब यहाँ से जो ये टू टेंजेंट है ए पी और ए एस वो क्या आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे वही सेम चीज़ मैंने लिख ली उसी तरह से पॉइंट बी से जो बी पी है वो इक्वल आ जाएगा बी क्यू के फ्रॉम पॉइंट सी से ये वाला जो सी क्यू है वो सी आर के बराबर और डी पॉइंट से जो एक्सटर्नल पॉइंट अगर डी लेंगे आप तो ये बन जाएंगे टेंजेंट डी आर इज़ इक्वल टू डी एस ठीक है इक्वल लेंथ होगी टेंजेंट्स की वो चीज़ मैंने यहाँ लिख ली अब देखो हम इनको ऐड करेंगे ये सेम चीज़ जो है ना हमने एट्थ क्वेश्चन में भी की है ठीक है ना कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टें कोई पॉइंट है वहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ किए उनका जो मतलब उनकी लेंथ जो है वो इक्वल रहती है अब देखो इसी तरह से हमने चारों पॉइंट से जो जो फोर एक्सटर्नल पॉइंट आए वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किए वो हमने सेपरेटली लिख लिए जब हम इनको ऐड करेंगे लेफ्ट साइड के जो ये फोर पॉइंट्स आए ना और राइट right साइड के जो ये आए इस तरह से हमने इनको ऐड करके लिख लिया और ये कंबाइन करके लिखा हमने ए पी प्लस बी पी क्यों लिखा क्योंकि ए पी प्लस बी पी जो है एक पूरी लाइन ए बी बन जाएगी ठीक है उसी तरह से डी आर प्लस ये आर सी जो है ये वाले हमने कंबाइन करके लिख ली अब यहाँ से भी हमने देखो ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस है ना ए एस प्लस सी क्यू किया क्यों क्योंकि ए एस प्लस डी एस ए एस प्लस डी एस ये ले लिया आपने इकट्ठे ताकि पूरा ए डी बन जाए इनको कंबाइन करके है ना और ये बन गया बी क्यू प्लस सी क्यू जो है बी सी के बराबर आ गया बस ये वैल्यूज़ हमने इनकी लिख ली अब टू टाइम्स ए बी इज़ इक्वल टू टू टाइम बी सी ये हमने क्यों लिखा क्योंकि ए बी इक्वल टू सी डी है ए डी इक्वल टू बी सी है यहाँ से देखो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पुट करके टू टाइम्स ये आ गया टू से टू के आंसर देन ए बी इज़ इक्वल टू बी सी आ गया ये इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया आपने